यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंसकी ने भारत समेत पांच देशों में तैनात यूक्रेन के राजदूतों को बर्खास्त कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की अधिकारित वैबसाइट से प्रकाशित बयान मुताबिक इन्हों देशों जर्मनी, भारत, चेक गणराज, नॉर्वे और हंगरी शामिल ने। सब तो वड्डी हैरानी जर्मनी में तैनात यूक्रेन के सीनियर राजदूत आंद्रे मेलनिक की बर्खास्तगी है। और यूक्रेन ते रूस दे हमले नूं लै के सब तो वध बोलिया सी। बयान विच इन्हां राजदूतां नूं बर्खास्त करन दा कोई कारण नहीं दस्या गया। अजे इह स्पष्ट नहीं है कि इन्हां डिप्लोमैट्स नूं कोई भी जिम्मेवारी दित्ती जाएगी जां नहीं। 24 फरवरी तो रूस दे हमले दे घेरे विच आई यूक्रेन नूं सहायता लई जेलेंसकी लगातार अपील कर रहे ने। उन्होंने अपने देश दे डिप्लोमैट्स नूं दुनिया भर विच यूक्रेन लई अंतरराष्ट्रीय समर्थन अते फौजी सहायता जुटाउण दी भी अपील कीती है। मन्या जा रहा है कि इस मिशन च असफल रहण कारण जेलेंसकी ने अपने पंज राजदूतां नूं उन्हां दे अहुदेयां तों हटा दित्ता है। हालांकि उन्हां दी थां ते अजे तक नवे राजदूत नियुक्त नहीं किए गए ने। रूस नाल युद्ध विच यूक्रेन की इच्छा भारत तो हर संभव मदद लैना सी, पर भारत सरकार ने पहला ही स्पष्ट कर दिता सी कि वह रूस का विरोध करके किसी भी देश का समर्थन नहीं करेगी। इन्ना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र च रूस खिलाफ लियांदे मते ते भारत ने हर बार वोटिंग का बाइकाट किया। इस कारण यूक्रेन ने कई बार अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दे बावजूद पीएम मोदी ने युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंसकी नाल गल की, गलबात राही मुद्दों हल करने की अपील की।